नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न 2020 में पूछे गए हैं। सभी आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में आपको बिल्कुल ही ऐसे ही ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न देखिए, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्टर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्टर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1871 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन ए सही है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1929। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1925। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1925 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ब्यूमस चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्यूमस चंद्र बनर्जी। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1857 ईस्वी। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था? जेम्स वाट। ऑप्शन नंबर बी सही है, जेम्स वाट ने। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? 1854। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1854। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर बी सही है, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक। ऑप्शन नंबर सी सही है, धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक। हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी सही है, हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। सुंदर वन है, सुंदर वन है पश्चिम बंगाल। सुंदर वन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी सही है। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही है, बॉक्साइड। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, न्यूयॉर्क में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क। प्रश्न है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र।
किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही है, मध्य प्रदेश। रेल वर्कशॉप है, रेल वर्कशॉप स्थित है, रेल वर्कशॉप स्थित है जमालपुर, ऑप्शन नंबर ए सही है, जमालपुर में रेल वर्कशॉप स्थित है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी सही है, दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? गेहूं, ऑप्शन नंबर सी सही है, गेहूं रबी फसल है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी में, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1907 में हुआ था। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, ऑप्शन नंबर ए सही है, पटना। ईश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? दरभंगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, दरभंगा। पंद्रहवीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? पंद्रहवीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.86%, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी सही है, चंडीगढ़। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1971। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर, ऑप्शन नंबर ए सही है, महापौर। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 वर्ष। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1999 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1999 ईस्वी। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ए सही है, मोरारजी देसाई। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2019 में, ऑप्शन नंबर डी सही है, 2019। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम, ऑप्शन नंबर बी सही है, काशीराम। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है?
लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास, ऑप्शन नंबर डी सही है, विकास। दल बदल कानून लागू होता है, दल बदल कानून लागू होता है संसदों एवं विधायकों पर, ऑप्शन नंबर ए सही है, संसदों एवं विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? बिहार, ऑप्शन नंबर डी सही है, बिहार, ऑप्शन नंबर डी सही है, बीमारू राज्य है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा, ऑप्शन नंबर ए सही है, जनेवा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 1995 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1995 ईस्वी। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1993, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1993। बिहार संपन्न है, बिहार संपन्न है कृषि में, ऑप्शन नंबर सी सही है, कृषि। प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर ए सही है, अंग्रेजों ने। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा यानी रुपया पैसा, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी सही है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1969, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा यानी पैसा रुपया जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही पैसा छापता है भारत में। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? सुनामी, सुनामी आपदा नहीं है, सुनामी। बाढ़ के समय लोग को जाना चाहिए, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए ऊंचे भूमि पर, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऊंचे भूमि पर। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? कोसी, ऑप्शन नंबर ए सही है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि बिहार में जब बाढ़ आता है तो
फसल, खेती, गांव, घर, मकान सब ढह जाता है। उसी के कारण बिहार के लोग क्या होता है, शोक में चले जाते हैं। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2020 में पूछे गए थे। अगर आप देखते हुए यहां तक आए हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।